दोस्तों, मुझे द फ्लैश मूवी का स्पेशल फैन स्क्रीनिंग देखने का मौका मिला, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि मूवी कैसी है। यह पूरी तरीके से स्पॉइलर फ्री रिव्यू होने वाला है, तो आप इस वीडियो को आराम से पूरा देख सकते हो। इस मूवी में बैरी एलन पास्ट को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि सुपरमैन एग्जिस्ट ही नहीं करता तो जनरल जॉर से दुनिया को कौन बचाएगा। तो फ्यूचर को बचाने के लिए फ्लैश बैटमैन और सुपरगर्ल की मदद कैसे लेता है, इसी के बारे में यह मूवी है। दोस्तों, मूवी की कहानी बहुत बढ़िया है, जो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपको एंगेज करके रखती है। इसका डायरेक्शन भी परफेक्ट है और परफॉर्मेंसेस भी बहुत बढ़िया है। सबसे ज़्यादा मुझे माइकल कीटन का परफॉर्मेंस पसंद आया। सेकंड हाफ में उन्हें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल मिला है। एज्रा मिलर ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। सेकंड हाफ में बैरी एलन का कैरेक्टर काफ़ी इमोशनल और सीरियस हो जाता है। इतने सारे कैरेक्टर्स होने के बावजूद मूवी का फोकस फ्लैश पर ही रहता है, तो ये बात मुझे बहुत पसंद आई। बेन अफ्लेक का बैटमैन और सुपर गर्ल दोनों का परफॉर्मेंस भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक्शन सिक्वेंसेज भी आपको बहुत बढ़िया लगेंगे। मैन ऑफ स्टील के बाद डायरेक्टली ये मूवी आपको पूरी तरीके से सेटिस्फैक्शन वाला एक्सपीरियंस देती है। विजुअल इफेक्ट्स परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ हमें कन्विंसिंग लगता है। मतलब विजुअल्स की वजह से हमारा एक्सपीरियंस खराब नहीं होता। बाकी मूवी में आपको कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे, और इसका सेकंड हाफ तो बहुत ही बढ़िया है। एंडिंग के 10-15 मिनट में आपको इतना मज़ा आएगा जैसा एक्सपीरियंस आपको स्पाइडरमैन नो वे होम में मिला था। इसमें कुछ ऐसे कैमियोज भी है जिन्हें देखकर आप सीट से उछल पड़ोगे। फर्स्ट हाफ में मूवी आपको बहुत जगह पर हंसाती भी है, लेकिन सेकंड हाफ में थोड़ा डार्क हो जाती है। मूवी ख़त्म होने के बाद आपको एक सेटिस्फैक्शन वाला एक्सपीरियंस मिलेगा, और डीसी के आगे आने वाली मूवीज़ के लिए आप और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे। इसका स्क्रीन प्ले भी मुझे परफेक्ट लगा। ये 2 घंटा और 24 मिनट की मूवी है और कहीं पर भी आपको बोर नहीं करती। सिनेमेटोग्राफी भी बहुत बढ़िया है, और मैंने मूवी को इंग्लिश में देखा तो हिंदी डबिंग के बारे में मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊँगा। इसमें कोई एडल्ट सीन नहीं है, तो इसे आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो, और प्रो ऑडियंस को भी ये बहुत पसंद आएगी। ये मैन ऑफ स्टील जितनी बढ़िया तो नहीं है, लेकिन बहुत समय बाद डीसी की एक काफ़ी अच्छी मूवी देखने को मिली, ऐसा हमें लगता है। और मैंने मूवी को 2D में देखा, तो इसके 3D एक्सपीरियंस के बारे में भी मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊँगा। ओवरऑल द फ्लैश एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, और हो सके तो इसे आप IMAX में देखना। मैं इस मूवी को दूंगा 8 out of 10। और दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, ताकि सिर्फ आपकी लाइक की वजह से ही हमें खुशी मिलती है। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपके स्क्रीन पर जो दोनों वीडियोस आपको दिख रही है, उनमें से भी जो आपको पसंद आ रहा है उसे आप ज़रूर देखें।